Hello class 7, this is your subject science and today I am going to teach you chapter number 10. As you can see, this is your science book. This is your chapter number 10, respiration in organisms, कैसे सांस लेते हैं. Okay, now I am just going to tell you the meaning of respiration. In the cells, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी करते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसको बोला जाता है रेस्पिरेशन. एंड द रिएक्शन किसके साथ, विद ऑक्सीजन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. लाइक आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रेस्पिरेशन का, आपको कोई भी अगर प्रोसेस पूछता है तो यू विल हैव टू गिव द आंसर कि कैसे. एंड रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज प्लस उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली उसको, और जिसको मिला के क्या बन गया हमारा, CO2 अलग मिल गया हमें, वाटर अलग प्लस एनर्जी अलग. इस प्रोसेस को आपको लर्न करना है कि रेस्पिरेशन में वॉट हैपन्स. ओके क्लास, now the next one is types of respiration. के steps क्या क्या होते हैं, किन steps में हमारा सांस लेने की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है. first one is your external respiration होता है, जिसमें क्या होता है, it is the process of breathing in oxygen में breathing out of carbon dioxide छोड़ा जाता है, ठीक है. and जो एक्सचेंज होती है वाटर ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कैसे, बाय ब्रीदिंग मैकेनिज्म से डिफरेंट होती है हर एनिमल्स की, क्योंकि हायर जो एनिमल होते हैं उनकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस कहाँ होती है, लंग्स में होती है, ठीक है. इंटरनल में क्या होता है कि जो ये ब्लड कंबाइन करता है फूड के साथ, जो फॉर्म बन किसके फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म्स में सेल्स में बनता है, जिससे एनर्जी मिलती है. और दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के द्वारा, ये एनर्जी जो रिलीज होती है टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेवरल केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से, इसमें चेंजेस आते हैं, कैटलाइज होते हैं बाय एंजाइम से, और ये एनर्जी यूटिलाइज की जाती है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, जिस पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन को बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो किसमें मिलती है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, और जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, नाउ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में सांस हम कैसे लेते हैं, व्हाट इज द सिस्टम बाय विच अ ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स, कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम. द पार्ट ऑफ द ह्यूमन, सबसे पहले आपका नॉस्ट्रल्स आते हैं. नॉस्ट्रल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी, ये आपके जो ऊपर की साइड में आपके दिख रहे हैं, नाक के पास देखिए, ये आपके नॉस्ट्रल्स हैं. नॉस्ट्रल्स एक पेयर ऑफ सेल्स होते हैं जो ओपन होते हैं लेफ्ट में और राइट में आपके नेजल चैम्बर्स में, ठीक है, जिनके थ्रू आप सांस लेते हैं अंदर हवा या बाहर चली गई आपकी. इट इज रिची सप्लाइड किसके साथ, ब्लड वेसल्स के साथ, जो गर्म हवा को दैट वार्म द कमिंग एयर, इनकमिंग एयर को वो गर्म करती है. ओके, नेक्स्ट वन इज फेरेनिक्स. फेरेनिक्स आपको नजर आ रहा है इसमें स्क्रीन पे, देखिए गले के हिस्से पे राइट साइड में आपको सबसे ऊपर फेरेनिक्स है आपका. आफ्टर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल से हवा जाने के बाद, जो हवा एंटर करती है फेरेनिक्स से, वो कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में, और माउथ में जाती है गले पे. गले से जब फेरेनिक्स इज द ओनली पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का विच इज शेयर्ड, किससे शेयर किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ. आप देखिए स्क्रीन पे वो ऊपर से टच होते हुए, देखो नीचे बीच बीच में जा रहा है ये, जहां आपका क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ बीच में नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर आपकी दो ट्यूब्स ओपन डाउनवर्ड्स की तरफ आपकी ओपन हो रही हैं, दो ट्यूब्स दिखाई दे रही है ना, एक तो होती है वन फॉर फूड के लिए, जो फूड जो अंदर एंटर करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको बोला जाता है ऑसो फेगस बोला जाता है. एंड सेकेंड वन इज ट्रेकिया. द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया जो कंटेन करता है लेरिनेक्स को, इट इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स बोला जाता है जिसे, ठीक है. नेक्स्ट वन इज ट्रेकिया. ट्रेकिया क्या होता है, इट इज गार्डेड बाय एन ओपनिंग, जिसको बोला जाता है ग्लॉटिस. क्या बोला जाता है इसे,
ग्लॉटिस बोला जाता है, विच गेट्स कवर्ड होती है बाय एपिग्लॉटिस से, विच व्हेन वी ईट या ड्रिंक करते हैं ये दो हिस्सों में ट्यूब्स में डिवाइड हो जाए, जिसको बोलते हैं ब्रोंकी। आपको देखो स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, राइट साइड में नीचे से थर्ड हिस्सा आपका, ये आपका ब्रोंकी का है जो एंटर करते हैं हमारे लंग्स में। और लंग्स क्या है, हमारे लंग्स हमारे मेन ऑर्गन है जो कहाँ लोकेटेड है, चेस्ट कैविटी के दोनों साइड्स में लोकेटेड है। एंड द लंग्स आर पिंक इन कलर में होते हैं एंड स्पॉन्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड के कैटरपिलरीज होती हैं उसके अंदर जो उसको पिंक बना के रखती हैं, ठीक है। एंड एट द एंड इनकी ट्यूब्स के सबसे नीचे राइट साइड में देखिए एलोवियोली है, जिसको क्या बोलते हैं ये, एट द एंड ऑफ दीज ट्यूब्स आर टिनी एयर सैक्स होते हैं जिसको बोला जाता है एलोवियोली। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड, किससे लंग्स प्रोटेक्ट होते हैं, रिबकेज से, जो सपोर्टेड होते हैं बाय अ फ्लैट, लार्ज फ्लैट मसल जो फ्लोर पे है हमारे चेस्ट कैविटी में, जिसको बोला जाता है डायफोग्राम। आपको दिखाई भी दे रहा है ना, देखो लेफ्ट में सबसे नीचे लेफ्ट की तरफ आपके लंग्स को ये क्या दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है, ओके। एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, हमारा तरीका, मशीनरी, व्हाट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन व्हाइल एक्सरसाइजिंग। हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जो ब्रीथिंग है हमारी बहुत तेज़ होने लग जाती है, और जो किससे कंट्रोल में आती है, रिब्स कंट्रोल करते हैं उसको, और डायफ्राम एट द बेस ऑफ द लंग्स के जो नीचे होते हैं, ठीक है। नाउ आपके ब्रीथिंग के भी प्रोसेस जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे दो मेथड जिनको बोला जाता है, फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग में हमारे रिब्स जो होती हैं मूव अप की तरफ मूव करती हैं, देख रहा है आपको स्क्रीन पे, आपकी तरफ मूव कर रही है हमारी, एंड आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, व्हाइल द डायफ्राम मूव्स डाउन की तरफ, वो डाउन हो जाता है डायफ्राम, ठीक है। फर्स्ट वाली लेफ्ट वाली फिगर की एक्सप्लेन कर रही है मैम। द मूवमेंट इंक्रीजेज और स्पेस आपके चेस्ट में क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, और रिड्यूस करता है प्रेशर को इनसाइड द चेस्ट कैविटी की तरफ। और ये जो प्रोसेस यहाँ हुआ है उसका सेम उल्टा, जहाँ नीचे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है राइट में, वो अपवर्ड्स की तरफ हो रहा है, और जहाँ एयर एंटर लंग्स में हो रही थी, यहाँ पर जब एक्सहेलेशन हो रही है तो वो एयर लंग्स से बाहर की तरफ हो रही है। एज यू कैन सी दिस इज योर राइट में आपका एक्सहेलेशन है, ठीक है, लाइक आपका मैंने अभी एक्सकलेशन और इनहेलेशन मैंने बता दिया आपको। नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज, ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग रेट। हमें मालूम है हम जब सांस लेते हैं किसी, अगर हमारे आप किसी चिंता में है या भाग कर आए हैं, तो आपका ब्रीदिंग रेट सांस इस तरीके से हो जाती है ना आपकी, तो ये आपकी ब्रीदिंग रेट यानी क्या किया आपकी, बढ़ रखी है, ठीक है। एंड एडल्ट की ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट पे तो 15 से 18 टाइम्स पर मिनट आपकी ब्रीदिंग रेट होती है, और ब्रीदिंग रेट बच्चे के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। इट मे बी कितना होता है, 20 से 25 पर मिनट होती है, ओके। नेक्स्ट वन इज योर सेलुलर रेस्पिरेटरी। इसमें क्या होता है, ब्लड हैज अ सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, जो बाइंड करता है अपने आप को ऑक्सीजन के साथ ताकि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बना सके, और जिससे क्या होता है, दिस इज इन दिस फॉर्म दैट ऑक्सीजन इज कैरिड थ्रू द ब्लड के थ्रू कैरिड ऑक्सीजन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, जिसे बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द सेल्स में, जिसमें क्या होता है हमारा शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं, किसको बनाते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी गिवन आउट होती है। मैंने आपको पीछे समझाया भी था, पीछे क्या आपके देखो नीचे सामने भी मैंने आपको जो पीछे बैक साइड में भी समझाया था वो भी सामने आ गया आपका, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो क्या क्या दे रहे हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके। नाउ आपका ये डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में आपका क्या डिफरेंस है, दिस टॉपिक यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक्स एंड लर्न इट ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर क्लासेज ऑल्सो, ओके। और ये रेस्पिरेशन के भी जो भी टॉपिक्स हैं दे आर वेरी नेसेसरी फॉर यू, आपको लर्न होने चाहिए बाय हार्ट, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, ओके।
ओके क्लास. नाउ फर्स्ट वन इज आपके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट आपका है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नेक्स्ट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, की प्रेजेंस होती है जो क्या करता है, मैंने अभी सामने आपको बता दिया, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, एरोबिक का. ओके लाइक आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि रेस्पिरेशन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, बट इन दिस शुगर ब्रेकडाउन हो रहा है. आपको देखो स्क्रीन पे इसकी इसकी केमिकल इक्वेशन भी दिखा रखी है, शुगर इज ब्रेकिंग डाउन इन द एब्सेंस ऑफ, पीछे ऑक्सीजन था हमारा, प्रेजेंस थी उसकी, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो ना हो, ऑक्सीजन नहीं होती तब भी शुगर क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन होता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी यहाँ पर भी हमें मिल रही है. ठीक है, एंड ये जो आपका कॉलम्स दे रखे हैं, देखो एरोबिक के एग्जांपल लेफ्ट में आपके, और इनके बीच में जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज वेरी नेसेसरी, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स एंड लर्न ऑल्सो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, और इन आपकी नेक्स्ट क्लास फर्दर क्लासेस में भी आपकी बहुत यूजफुल है. ठीक है, नाउ द डिमांड फॉर द एनर्जी इज वेरी हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर कम होती है प्रोड्यूस करने के लिए, तो ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन कम्प्लीटली इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज पार्शली ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड देता है, जो क्या करता है, जिससे मसल क्रैम्प्स आने लग जाती है हमारी बॉडी में. ओके, एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ, कैसे करते हैं. ठीक है, लाइक आपका देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, जिसमें प्रेजेंस क्या होती है, रिलीज भी होती है एनर्जी हमारी, और जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एडॉप्ट करते हैं डिफरेंट मेथड्स, जिससे क्या हो जाए, हमारे ऑक्सीजन इनटेक हो और हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस चलता रहे. वी विल नाउ लर्न अबाउट द ब्रीदिंग इन द डिफरेंट एनिमल्स जो हम अपने आसपास देखते हैं. लाइक हमारा देखो सबसे फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज एमोयबा और हमारा पैरामीशियम आपका. तो हमारी जो ब्रीदिंग एमोयबा में कैसे होती है, ये एक हमारा यूनिसेलुलर होता है, सच एज एमोयबा और हमारे पैरामीशियम है, दे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं बाय द डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जैसे हाइड्रा अर्थ फॉर्म करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन थ्रू द क्या, थ्रू द आउटर मोस्ट सर्फेस से ये डिफ्यूजन करते हैं, अपनी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. ओके, ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म हमें मालूम है कहाँ रहता है, अर्थवॉर्म मिट्टी में रहता है, एंड इन द रेस्पिरेटरी ऑफ द अर्थवॉर्म ऑक्सीजन एंटर करती है इनकी स्किन के जरिए, और अर्थवॉर्म प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच लीव्स थ्रू द एनिमल की स्किन से. ठीक है, और ये क्या करते हैं, इफ द अर्थवॉर्म रिमेन्स आउट रहता है तो वो इन द हीट ऑफ द सन उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, और वो कई बार क्या होता है, एनिमल सफोकेट्स भी हो जाते हैं, और ये कई बार धूप में मर भी जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग इन फिश, एज वी नो ये कैसे ब्रीदिंग करते हैं, अपने गिल्स के थ्रू. आपको देखो स्क्रीन पे गिल्स दिखाए हैं, सीन थ्रू द स्किन एंड वाटर आउट करते हैं ये. उनके फैदरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, उनके फ्लैप कवर होते हैं ऑपरकुलम से, और जो क्या होते हैं, गिल्स फेड बाय द ब्लड फ्रॉम द हर्ट, और इन गिल्स से ऑक्सीजन पास होती है वाटर से इनटू द ब्लड में. ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉग्स. फ्रॉग्स के देखिए नॉस्ट्रिल्स दिखे हैं, ग्लॉटिस हैं आपके, ये देखो फ्रॉग की क्या है, लंग्स ऑल्सो देयर. ये आपके लंग्स के सामने पिक्चर दिखा रही है, इस तरीके से इसके लंग्स होते हैं, क्योंकि जो टैडपोल होता है हमारा, ठीक है, टैडपोल में भी क्या होता है, एज इट ग्रोज इनटू अ फ्रॉग में जब बढ़ता है, ये डेवलप करते हैं एयर बैग्स सिमिलर टू द मैमलियन लंग्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज. किससे करते हैं, ये अपने गिल से करते हैं. ओके, नाउ ब्रीदिंग इन द इंसेक्ट्स, हमारा इंसेक्ट यहाँ पर कौन है, यस कॉकरेज. कॉकरेज में देखो आपकी एयर सैक्स भी हैं, ये ट्रैकिया भी हैं, पीछे की तरफ भी ट्रैकिया होल्स भी हैं, स्पेरिकल्स भी हैं. व्हाट इज हैपेंस इन इट, दे हैव द हाई रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन चाहते हैं, बिकॉज दे लेड अ एक्टिव लाइफ जीते हैं ये. दे हैव अ ट्रैकियल सिस्टम होता है जो रन करता है ऑल अलोंग द बॉडी में, जिसकी जो एयर ट्यूब्स होती हैं उनको बोला जाता है ट्रैकिया ओपन.
थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स होती है, जिसको बोला जाता है स्पेरिकल्स, जिसके थ्रू ये अपनी गैसेज एक्सचेंज करते हैं. ओके, एंड नाउ ब्रीदिंग इन द बर्ड्स में किस तरीके से होती है, जो हमारे बर्ड्स और मैमल्स थ्रू विद द लंग्स जो उनकी चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं उसी के थ्रू ये सांस लेते हैं एंड बॉडी एक्सचेंज इज ऑल्सो फ्रॉम दैट. ठीक है, डू द प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी, प्लांट्स को भी चाहिए होती है. यस, बिकॉज वो सांस ले रहे हैं तो एनर्जी होगी तभी तो ना. प्लांट्स टेक इन, क्या लेते हैं, ले रहे हैं एंड गिव आउट एयर थ्रू द पोर्स, जो उनके बीच में होल होते हैं. आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये स्टोमेटा है, इसके बीच में ये होल है, इसको बोला जाता है स्टोमेटा. ठीक है, एंड प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स पे प्रेजेंट होता है ये स्टोमेटा, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम्स ऑन देयर लीव्स पे होती है. एंड स्टोमेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम्स में होती है प्रेजेंट, एंड दे कंसिस्ट ऑफ द टू बीन शेप होती है. ये आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में जो ये होल होते हैं, जो आपका पर्पल सर्कल है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस, और जो उसकी कवरिंग पार्ट होती है ये होती है आपके क्लोरोप्लास्ट, और बीच का तो येल्लो पार्ट है दैट इज कॉल्ड वैक्यूल होती है, एंड गार्ड सेल्स जो उसको इसको एक परत बचा के रखने वाली है, एंड सेल वॉल इज ऑल्सो देयर. और ये क्या करते हैं, इन ग्रीन प्लांट्स में ये सारी चीजें देखी जाती हैं, बिकॉज थ्रू द स्टोमेटल पोर जो है इसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं. और हमारे ग्रीन प्लांट्स में दो द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, रात दिन चलती रहती है, बट टेक ऑफ ऑक्सीजन एंड पुशिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे रहती है. बिकॉज क्यों, सनलाइट क्योंकि दोपहर में ही होती है, रात को सनलाइट नहीं होती है. स्टोमेटा जनरली रिमेन हो जाते हैं क्लोज, रात को बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज की जो डिफ्यूजन है वो रात को ही होती है. ठीक है, एंड जो हमारे प्लांट की जो रूट्स हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, विच दे ऑब्टेन फ्रॉम द एयर स्पेसेस इन द सॉइल. वुडी जो लकड़ी की स्टेम्स होती है हैव द स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं उन देयर बैक पे, जिसको बोलते हैं लेंटिकल्स, फॉर ब्रीदिंग के लिए जिसको यूज किया जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, आपका आंसर इज कंप्लीटेड क्वेश्चन. As you can see, this is the answer key of your question number A, B, C and D. Your first answer is also there and second also there. Answer third and answer four, answer five and answer six. Up to this screen, you have to complete your answers. Okay? And last one is, see your figure page number 103, stomata open, stomata close. You have to make the figure with the color also. Okay, class?